हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट आज की वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर थर्टी फाइव ये डेट है आपकी ट्वेंटी थ्री नवम्बर सब्जेक्ट है आपका साइंस क्लास है सिक्स यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपने टीचर का नाम लिखना है ठीक है स्टूडेंड आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं वट आर शेडो शेडो क्या होती है अ शेडो इज एक्चुअली जस्ट अ स्पेस और रीजन एक शेडो क्या है एक स्पेस और रीजन है वेयर देर नो लाइट सेंस एंड ओप ऑपिक्योर रिज ऑब्जेक्ट इज ब्लॉकिंग लाइट फेस मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ऑपिक्योर ऑब्जेक्ट वो होता है जिससे लाइट पास नहीं होती है ठीक है ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि सन लाइट को या फिर किसी भी लाइट को ब्लॉक करे तो क्या बनता है शेडो बनता है तो चलिए हम शेडो की फॉर्मेशन की बात करते हैं कि किस तरीके से शेडो बनता है फर्स्ट सैडो इज फॉर्म वेना ऑप्क्योर ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ़ द लाइट जब लाइट के पाथ में जैसे कि लाइट है उसके पाथ में कोई आप कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो शेडो बन जाती है ठीक है और शेडो नीड्स अ स्क्रीन वेयर इट इज़ फॉर्म्ड शेडो बनने के लिए एक स्क्रीन की जरूरत होती है जहाँ पर शेडो बनती है द ग्राउंड और अ वॉल एग्जाम्पल के लिए ग्राउंड हो सकता है मतलब ज़मीन हो सकती है कोई दीवार हो सकती है ठीक है और इवन सर्फेस ऑफ द बिल्डिंग किसी बिल्डिंग की सरफेस हो सकती है शेडोज थर्ड है आपका शेडोज गिवन गिव अल अर्स एन आइडिया अबाउट शेप्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो शेडो होती है वो हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट के शेप्स के बारे में आइडिया देती है ठीक है और इट कैन इवन मिसलीड द ऑब्जेक्ट ऑफ शेप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट और हमें कभी कभी मिसलीड भी करती है कभी कभी हमें मिसलीड भी करती है कि ऑब्जेक्ट का शेडो गलत बना के ठीक है मतलब जैसे कि आपका यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कि कौन है तो कौन का शेडो क्या बनता है बच्चों ट्राइंगल बनता है तो ये हमें मिसलीड कर रहा है कभी कभी क्या है शेडो हमें मिसलीड भी करती है तो एग्जाम्पल के लिए द शडो ऑफ अ कोन अपीयर्स टू बी अ ट्राइंगल ऑन द स्क्रीन मतलब जैसे कौन का जो शेडो है वो कैसा अपीयर होगा ट्राइंगल की तरह अपीयर होगा स्क्रीन पर तो इसलिए यह हमें मिसलीड करेगी अब आगे चलते हैं The dark the dark patch formed फॉर्म to obstruction of ऑफ लाइट by the दबकी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड शेडो ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं अगर आपके ऑब्जेक्ट किसी लाइट के शेडो की ऑपकी ऑब्जेक्ट लाइट के शेडो को लाइट uh, को रोकती है तो वो उससे क्या बनता है शेडो बनता है ये तो हम पढ़ चुके हैं आगे नेक्स्ट द टाइप ऑफ शेडो विल भी डिपेंड्स ऑन शेडो के टाइप्स किस किस पर डिपेंड करते हैं लाइट सोर्स किस जो लाइट का सोर्स है वो क्या है सन है है ना ये तो एल ई बल्ब है या कुछ और है मतलब इस पर डिपेंड करती है द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट ब्लॉकिंग द लाइट लाइट जो ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का है उसका नेचर क्या है जो लाइट को ब्लॉक कर रही है उस ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स लाइट सोर्स का जो डिफरेंट uh, मतलब जो डिस्टेंस है वो कितना है और द ऑब्जेक्ट ऑफ द सर्फेस शेडो इज कास्ट ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द सर्फेस मतलब उसका ऑब्जेक्ट कैसा है वो और सर्फेस कैसा है इन सब पे भी डिपेंड करता है अब नेक्स्ट वेन इट इज़ अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून यू मे नोटिस डेट योर शो शेडोज ए आर एंड लॉन्गर्ड मतलब जब मॉर्निंग में और हम इवनिंग में देखते हैं मॉर्निंग और इवनिंग में देखते हैं तब तो शेडो क्या बनती है हमारी लंबी बनती है ठीक है मतलब बड़ी बनती है हमारे से अब आगे जैसे कभी आपने नोटिस भी किया होगा कि आप जा रहे हो तो आपको लगता होगा मेरी इतनी लंबी इतनी बड़ी बड़ी शेडो दिख रही है तो आपने नोटिस भी किया होगा नेक्स्ट है बट इन एट नून बट एट नून मतलब नून पे आफ्टरनून में बारह बजे एक बजे वेन द सन इज राइट अबव योर हैड जब आपके सिर पे सन होता है तब शेडो कैसे बनती है छोटी बनती है द शेडो फॉर्मड इन शॉर्ट एंड डार्क इन नेचर और वो नेचर में कैसे होती है डार्क होती है जब हमारे सर पे सूरज होता है तब शेडो कैसी बनती है छोटी बनती है लेकिन जब सूरज दूर होता है हमसे जैसे कि मॉर्निंग में और लेट नाइट मतलब लेट आफ्टरनून में तो शेडो बनती है लार्ज ठीक है जबकि सन हमारे से दूर होता है ठीक है बच्चे तो ये थी आपकी वर्कशीट बहुत ही ईजी है लेट प्रैक्टिस नाउ व्हाट इज़ द शेडो शेडो क्या है तो शेडो का जो है एग्जैक्ट आप यहाँ से लिख दो द डार्क पैच फॉर्म ड्यू टू ऑब्सेक्शन ऑफ लाइट्स रेज बाय एन ऑपिक्यो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड शेडो तो ये हो जाएगा फर्स्ट आंसर सेकेंड हाउ इज शेडो फॉर्म शेडो कैसे बनती है तो इसका आंसर ये हो जाएगा अ शेडो इज फॉर्म एन ऑपिक्यो ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट जब लाइट के पाथ पे क्या आ जाते हैं ऑपेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है तो शैडो बनती है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका वट फॉर्मेशन डज द शेडो गिव अबाउट एन ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है शेडो तो क्या क्या बताती है शेडो गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द शेप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इनके शेप के बारे में बताते तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका आंसर लिख दोगे तो ये हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर तो बच्चे ये थी आपकी आज की वर्कशीट अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में बाय बच्चों टेक केयर